मिलाकर मकसद यह है कि भाजपा सत्ता में ना आए, इस मोटो के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। मिश्रा जी, निश्चित रूप से मिश्रा जी, आत्ममुग्ध हो करके प्रस्तुतीकरण करना, हमारे जो एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, आत्ममुग्ध होकर प्रस्तुतीकरण कर रहे हैं। कद्दावर नेता होने का मतलब, आज भी भारतीय इतिहास में, भारतीय राजनीति में इसका मतलब ये होता है कि आदमी किसी न किसी लेवल पे जाके अपनी बात पे टिके, 48 घंटे में अपने बयान को, अपने एक्ट को बदल देने वाला नेता कभी कद्दावर नेता नहीं होता है। डेंट पहुंचा है, और डेंट क्या पहुंचा, इनके इसी कृत्य के कारण पूरा महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई, बाद में गिरी कि नहीं, कितना महंगा पड़ा इनको, जो बोल रहे हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। शिवसेना का क्या हाल हुआ, शिवसेना ही खत्म हो गई, सिंबल की लड़ाई आ गई, भैया हमारा है कि नहीं है, शिवसेना भवन किसका है। मिश्रा जी, क्योंकि समय कम है सर, अब पूरा फोकस एक बार फिर से इस बैठक पे कर लेते हैं। मिश्रा जी, समय कम है एक एक कॉमेंट सबसे। बेंगलुरु में जो बैठक होगी अपना कर्फ्यू के कारण पूरी पार्टी, बेंगलुरु में जो बैठक होगी उससे क्या हासिल होने वाला है, विरोधियों को मौका दे दिया। देखिए, ये बोलूंगा कि ये मिश्रा जी जो है वो तय करेंगे क्या कि शरद पवार कद्दावर नेता है कि नहीं है, ये भाई इनकी विश्लेषण ये दे दिए, और देश की जनता अगर ये मान ली कि अगर शरद पवार कद्दावर नहीं नेता है तो भाई इनकी बातों से मैं भी को प्रभावित हो जाऊंगा, लेकिन देश ये जानता है कि शरद पवार कितने कद्दावर नेता है, और महाविकास आघाड़ी की जो सरकार बनी थी वो उनकी सोच का नतीजा था, और आगे भी बता क्यों नहीं पाया कद्दावर नेता थे। अरे सुनो भाई, बेंगलुरु में